नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लगातार फ्रेम से बाहर हैं। खबर यह है कि जगदानंद सिंह नाराज हैं, नाराजगी इस कदर कि वो पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली नहीं पहुंचे। हालांकि जगदानंद सिंह को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उनकी नाराजगी इस वजह से है कि जगदानंद सिंह के बयानों पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दे दी और लेटर निकाल दिया। उनके पुत्र ने जिस तरीके से बिहार सरकार में रहते हुए सरकार की कमियों को उजागर किया, उनके पुत्र पर भी दबाव बनाया गया, ये सारी चर्चाएं हैं। लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो कि अब राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सब कुछ हैं, उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में जो जगदानंद सिंह हैं या जगदानंद सिंह जैसे पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर किसी भी तरह की कोई बातें नहीं हैं, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जगदानंद सिंह घर पे हैं या इसलिए जगदानंद सिंह पटना से बाहर है। जैसे ही वो ठीक होंगे वो वापस लौट आएंगे। अब तेजस्वी यादव के हम बयानों को सुनवाते हैं आप। आप लोग कर सके नगर का मंत्री, बकवास बातें हैं। और हम आपको पहले भी कहे हैं बात, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं स्पष्ट रूप से सारे चीज़ों को रखा है। कोर्ट के आदेश में जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण का चुनाव नहीं कराएंगे। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया है वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही, तो पहले से ही चलता रहा, पहले चुनाव हुआ नहीं क्या, जब 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुला कर के बात हुई थी, सब दल पक्ष में था। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा, तो ये इस तरह का बयान जो है बोलते रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग जेपी के अनुयायी नहीं है क्योंकि आप लोग उस कांग्रेस के साथ गोद में जाकर बैठ गए हैं जिनका जेपी ने विरोध किया था, आप पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार था। नहीं नहीं, सब बकवास बातें हैं। और अमित शाह जी के बारे में हम क्या कहें, ये लोग खाली इवेंट मैनेज करता है, इवेंट था आ गए, इनको क्या लेना देना है भाई जेपी जी से, कोई वसूल पे ये लोग चलते हैं क्या। आज जो देश में आघोषित इमरजेंसी है इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की गई, बोलना ना चाहिए कि भाई तानाशाही जो है पूरे देश में हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी ने भी तो इमरजेंसी के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था, आज के दौर में तो अघोषित इमरजेंसी है। आज कहाँ भारत सरकार में किसी की सुनवाई होती है, न कार्रवाई होती है, केवल केवल चंद लोगों की ही सरकार है और चंद लोगों के लिए ही काम किया जाता है। आपके पार्टी तो के प्रदेश अध्यक्ष आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या राज्य आप डेंगू डेंगू को लेकर बिहार में डेंगू बढ़ गया है। डेंगू का हम लोग जो है रिपोर्ट मंगा रहे हैं, इसमें सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है, चाहे साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जाए, और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बोला गया है कि किसी मरीज को जो है कमी इसमें आने नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा बाबू क्या नाराज चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ के लिए अभी तो ऐसा कोई बात नहीं, कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, और पहले तो जब बात हुई थी तबीयत तो खराब था ही। और नाराज़गी क्या होता है, नाराज़गी कुछ नहीं होता है, नाराज़गी होता तो आप लोगों के बीच आकर के बोलते ना कि क्या बात है नहीं बात है। और जगदा बाबू को आप लोग पहचानते नहीं है ना, दिक्कत ही है जगदा बाबू को, ये तो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब पार्टी ऑफिस जाते रहे, लेकिन उससे पहले जितना पार्टी का कार्यक्रम था सब काम कर देते थे लेकिन आगे नहीं आते थे। आप लोग समझ रहे हैं, सब काम कर देते थे लेकिन आगे नहीं आते थे। जगदा बाबू चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है, तो काम करते रहते हैं अपना। अरे भाई, अरे भाई, नाराजगी कुछ नहीं होता है,
इस पार्टी में नाराजगी कुछ चीज की नहीं है, जो बात होती है निर्णय होता है, सहमत होते हैं हम लोग और लेते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग होता है, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386